सो गाइस, आपने इस तरह के कुछ फॉन्ट आपने काफ़ी सारे देखोगे इंस्टाग्राम रील पर काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। आप जैसे कि आपने देखा कि जो जंगल में जो आपको जंगल में के फॉन्ट होते हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि आप कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर टेम्पलेट आपको दिखाए जा रहे हैं। इस तरह आप भी अपने नाम का यहाँ पे एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करना वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो का लास्ट तक बने रहना है। चैनल पर आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो आज किस मज़ेदार वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसके लिए आपको एक फॉन्ट की जरूरत पड़ेगी, जो इस तरह का आपको फॉन्ट चाहिए उसके लिए आपको अपने गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र पे किसी पे आ जाना है, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको क्रोम ब्राउज़र पे आना है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा उर्बान। यहाँ पे उर्बान जंगल फॉन्ट आपको शो हो जाएगा, आपको इस पर टाइप करना होगा। जैसे आप इस पर टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऊपर एक दिख जाएगा फॉन्ट। आपको इस पर यहाँ से सिंपली डाउनलोड का ऑप्शन पर टाइप करना होगा और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इस फॉन्ट को अपनी पिक्सल ऐप पर ऐड करना होगा, जैसे कि मैंने इसको ऑलरेडी अपने पिक्सल ऐप पर ऐड कर रखा हूँ। अगर आप नहीं कर पाए हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको यहाँ मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको ऐड करना है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट अपने पिक्सल ऐप पर आ जाता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ से पिक्सल ऐप पर आ चुके हैं, इसकी साइज़ को हम रख लेंगे यहाँ से इसके साइज़ को हम थोड़ा छोटा रखें, कस्टम थंबनेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इतना रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ से आपको अपना नाम लिख लेना है, जो भी आपको जिस नाम का चाहिए आपको उस लिख लेना है। यहाँ से कैपिटल लेटर में आपको यहाँ ध्यान रखना, आपको जो लेटर होंगे सारे कैपिटल लेटर में होने चाहिए। यहाँ पर ओके ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको देखना होगा आपकी साइज़ को एडजस्ट करना होगा। जितनी साइज़ आपको चाहिए उतनी आप यहाँ पर रख लेना। उतना रखने के बाद अब इसको यहाँ पर हम इसको मर्ज कर देंगे रिलेटिव पोजिशन, यहाँ से ओके। उसके बाद अब यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन शो हो जाएगा, फॉन्ट के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको माई फॉन्ट पे आ जाना है। माई फॉन्ट पे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा उर्बान जंगल जंगल यहाँ पे दिख जाएगा, आपको इस पर टाइप करना होगा। जैसे इस पर टाइप करेंगे तो आपको जो फॉन्ट है यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह का आपका फॉन्ट यहाँ पर आकर तैयार हो चुका है। यहाँ से हमको डन कर लेंगे, इसके हम रिलेटिव पोजिशन फिर को यहाँ पर हम सही कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर प्लस आइकन पर टाइप करना। अब यहाँ पर आपको एक जंगल की फ़ोटो को ऐड करना होगा। जंगल की फ़ोटो कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो काफ़ी सारी आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो मैं यहाँ से डाउनलोड करके रखा हूँ। ये देखिए मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ से हम 16:9 का रेशियो रखेंगे, उसके बाद डन करेंगे। उसके बाद इसके रिलेटिव यहाँ से हम जो रिलेटिव साइज़ है इसको यहाँ से फुल कर देंगे, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे फ्रेज, और इसके बाद इसी को यहाँ से आपको दिख जाएगा टू बैक, इसको बैक कर देना। बैक करेंगे आपका जो नेम था वो आपके फ्रंट में आ जाएगा, और जो ये है आपके जो फॉरेस्ट वाला इफेक्ट है वो जो इमेज है वो बैक में चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अच्छे से एडजस्ट करना होगा, जितने उस पर जितने आपको चाहिए उतने उसे अपने हिसाब से रख लेना। उसके बाद हम यहाँ से डन करें। सिंपली अब आपको अपनी फोटो को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यहाँ पर आपको सनलाइट का इफेक्ट ऐड करना होगा। तो मैं सनलाइट यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास सनलाइट इफेक्ट PNG है, मैं यहाँ से सनलाइट का इफेक्ट PNG यहाँ से ले लेता हूँ। लेने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं देखिए ये हमने यहाँ पर इसको कर दिया सेट, यहाँ पर हमारा सनलाइट इफेक्ट आ चुका है। उसके बाद थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यहाँ से हम एक पिजन यानी कबूतर को ऐड करने वाले हैं, तो आप भी ऐड कर लेना है अगर आपको अच्छा लगता है तो। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको कर लिया ऐड। ऐड करने के बाद अब इसको यहाँ से अच्छे से आपको इसको अच्छे से आपको मर्ज करना होगा आपको सही से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आपके इमेज पर। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह इसको सेट कर देना होगा। यहाँ पर आपको अपने फॉन्ट के ऊपर यहाँ पे लगा देना होगा। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब आपको यहाँ पर इसी तरह आपको भी अपना एक टेम्पलेट यहाँ आपको इसी तरह आपको बना लेना है। इसी तरह बनाने के बाद उसके बाद आपको आपका टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद आप यहाँ से इसकी वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। ये तो आपकी थी इमेज, आपने इसकी मैंने आपको इमेज सिर्फ बनाया बताया है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बनाना बताऊँ तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वीडियो बनाना बता दूंगा। लेकिन अभी लेकिन बस मैंने आपको यहाँ पे इमेज को क्रिएट करना ही बताया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके नए वीडियो में नाटो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।